गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। कर्ज की भीख मांगने को मजबूर है। महंगाई की मार ऐसी है कि मुल्क में आटा चावल से लेकर तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। बिजली की बढ़ी कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। एक ओर सरकारी खजाना खाली होता जा रहा है तो दूसरी ओर आर्थिक हालत इतनी गर्त में जा चुकी है कि उसकी सबसे बड़ी एयरलाइंस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA डूबने वाली है। हालत ये है कि एयरलाइंस की जो विमान उड़ान भर रही है उसमें ईंधन भरवाने तक के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं है, जिसके चलते विदेशों में भी उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। नमस्ते, मैं नंदिनी हूँ और आप हैं मंच पर। पाकिस्तान के मित्र देश सऊदी और UAE ने भी ये जता दिया है कि पैसों से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इन दिनों ठीक नहीं है और उसके करीबियों ने भी उसे धोखा दे दिया है। दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है। पाकिस्तान दूसरे देशों से मिल रहे कर्ज के सहारे अपना गुजर बसर कर रहा है। अब पाकिस्तान में नौबत ऐसी आ गई है कि वहां सरकारी एयरलाइंस तक चलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि PIA का खाता फ्रीज कर दिया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों को अगस्त तक का वेतन नहीं मिल पाया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक फंड की कमी के कारण कई प्लेन रनवे पर धूल खा रहे हैं। यहाँ तक कि एयरलाइन का संचालन बंद किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसके चलते 30 से ज्यादा फ्लाइट निलंबित किए जाने की संभावना है। पाकिस्तानी अखबार जियो न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके मुताबिक PIA के डायरेक्टर ने कहा कि अगर इमरजेंसी फंड मुहैया ना कराया गया तो इस राष्ट्रीय विमानन सेवा पर किसी भी समय ताला लग सकता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा सरकार इन पब्लिक सेक्टर कंपनियों के निजीकरण की योजना पहले ही पेश कर चुकी है। हालांकि इसको लेकर के भी सरकार की आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि पहले से ही आर्थिक बदहाली से जूझती कंपनियों को कोई भी बिना किसी फायदे के क्यों खरीदेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान अपने सबसे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसी साल IMF से $3 अरब के बेलआउट पैकेज को मंजूरी मिलने के बाद ही वो डिफॉल्टर होने से बचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारी ने बताया है कि ईंधन का पैसा ना चुका पाने के कारण एयरलाइंस के एक विमान को सऊदी अरब के दम्मम एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। एयरलाइंस के 4 अन्य विमानों को दुबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। हालांकि एयरलाइंस ने एक लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद ही उनके विमानों को वापस उड़ान भरने की अनुमति दी गई और उसे बहाल किया गया। ऐसा दावा है कि पाकिस्तान को विमानों के अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA को $35 लाख का आपातकालीन भुगतान करना पड़ा, जिसके बाद ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सेवाओं को बहाल किया गया। बता दें कि PIA के कुल 15 विमान ग्राउंडेड हैं, 2 विदेश में हैं, जबकि 2 का इस्तेमाल देश की दूसरी संस्था कर रही है। न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA को 15 विमानों को खड़ा करने का खतरा है, क्योंकि उसने अभी तक 20 अरब रुपए तक का बकाया नहीं चुकाया है। एक ओर पाकिस्तान की इकोनॉमी रसातल में पहुंच गई है, वहीं दूसरी ओर इन सब के बाद भी पाकिस्तान लगातार अपने मिसाइल लॉन्चर की संख्या को बढ़ा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान के परमाणु बमों की संख्या 170 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के परमाणु वॉरहेड की संख्या भारत से भी ज्यादा है, जो कि एक चिंता का विषय भी है। अवाम के पास तो खाने को नहीं है, लेकिन मुल्क की सरकार परमाणु बम बनाने में ज्यादा ध्यान दे रही है। ऐसी सरकार के लिए आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।